क्योंकि मैं जीता हूं तो तुम एक काम करो, आइसक्रीम ला सकती हो। बेसिकली तुमको आइसक्रीम खानी थी, ये बोलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है शुरू हो गया है हमारा वीकेंड। और वीकेंड में यूजुअली हमारा प्लान ये रहता है, क्योंकि पूरा वीक हम इतना काम कर रहे होते हैं और यू नो देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, कि वीकेंड हम थरली एंजॉय करना चाहते हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट बोथ ऑफ अस लाइक। सो जस्ट जब वीकेंड शुरू होता है तो एक दिन इवनिंग पहले से ही हम लोग प्लान्स बनाने लग जाते हैं और ये सब करने लग जाते हैं। ऑफकोर्स पैंडेमिक में बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो हम बना नहीं पा रहे हैं, सक्सेसफुल वो हो नहीं पा रहे हैं ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। और लेकिन जो आज हम करने जा रहे हैं वीकेंड पे, बेसिकली जो हम जनरली करते हैं जब हम घर पे होते हैं वीकेंड्स पे, वो ही आपको आज हम बताने वाले हैं कि हम क्या करते हैं। सो अगर आप रेडी हैं, लेट्स गेट गोइंग। हाय गाइस, सो जैसा कि वीकेंड हमारा जो वीकेंड होता है यहाँ, यूजली जब भी वीकेंड होता है तो हमारा एक बेस्ट वीकेंड का डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो रुचि वीकेंड में अगर पास्ता बनाती है, और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई लव टू यू नो हेल्प हर विथ चॉपिंग। आई लाइक टू चॉप एंड यू नो गेट दी थिंग्स रेडी। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे वीक का मेरा जो स्ट्रेस है यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम। वीकेंड की शुरुआत कर रहे हैं पास्ता से, तो आज मैं बना रही हूँ एलियो ओलियो पास्ता। एलियो ओलियो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और अगर आप लोग ने पहले कभी खाई ये पास्ता रेसिपी, आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स सुपर सिंपल गाइज। इसमें सिर्फ बेसिकली 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, गार्लिक, चिली फ्लेक्स, इफ यू वांट टू पुट ओरेगानो तो ओरेगानो, सॉल्ट, मशरूम्स, इफ यू वांट टू ऐड एनी वेजीज तो एनी वेजीज, अदरवाइज जस्ट बेसिकली जस्ट स्पेगेटी, गार्लिक एंड मशरूम्स एंड इट्स रेडी एंड ऑलिव ऑयल। तो जब हम कुक कर रहे होते हैं, हम किचन में बातें कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और साइड में हमने चला रखे होते हैं गाने, कई बार 80s के गाने चल रहे होते हैं विच आर लाइक आर मोस्ट अमेजिंग फेवरेट, और कई बार न्यू सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ वीकेंड। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम प्लेटिंग करेंगे। गाइस हमारे घर में प्लेटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो करना बहुत जरूरी है।
लेट्स गेट गोइंग. सो गाइज हमारा आलियो ओलियो इज रेडी और रूप अब हमको टेस्ट करके बताने वाले कि कैसा बना है. मस्त. ये एक पास्ता का प्यासा आत्मा है. हाउ इज इट? हाँ गाइज, सो ऊनो खेल रहे हैं हम लोग. आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में शायद ऊनो खेला होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. लेकिन हम दोनों पहले बहुत खेलते थे इस गेम को, लेकिन बहुत सालों से हम लोगों ने ऊनो खेला नहीं है, तो हम लोग काफी हद तक रूल्स और सब कुछ भूल गए हैं. लेकिन लेट्स सी हाउ वी डू इट टूडे. तो इसमें बेसिकली करना क्या है, जो मोटिव है हम दोनों का मोटिव ये रहेगा कि किसके पत्ते पहले खत्म हो गए हैं, और दैट्स गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्टिव. दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम बेसिकली. तो अब रूप जो है पत्ते शफल करके 7-7 कार्ड्स ईच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो तुम्हें सेवा में लगा रहना पड़ेगा. अच्छा. क्या सेवा? इतना सुबह सुबह कॉल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. अरे इसमें क्या, ऊनो खेलने जा रहे हैं और हम बिल्कुल याद नहीं, हम भूल गए हैं. या हमको इतना याद है कि हम पहले तुम्हारे साथ खेलते थे. अब डू यू रिमेम्बर हाउ टू प्ले ऊनो? इतना सीरियस क्यों? व्हाई आर यू सो सीरियस? अभी तो बेचारा हमारे फोन कॉल से तो उठा लगता है ऐसा. जीतू थैंक यू सो मच. जीती वेलकम. सो जाओ सो जाओ वापस से. ओके विल टॉक टू यू लेटर बेबी. ओके बाय बाय. थैंक्स. ओके गाइस, सो रूल्स हमको पता चल गए एग्जैक्टली क्या करना है. सो जो हम पहले कर रहे थे वो हाफ वे ओके था, पर अब हमको 100% रूल्स पता चल गए हैं, तो हम फिर से खेलेंगे. और इस बार मैं guys, जो आधे रूल पता थे उसमें भी मैं ही विनर था, राइट? तो क्योंकि आधे रूल पता था, इट वाज नॉट राइट. इट वाजंट द राइट वे टू प्ले. अब फुल गेम रूल्स पता होने के बाद देखते हैं कौन जीतता है, राइट? विदाउट, लेट्स स्टार्ट द गेम. लेट्स स्टार्ट. गाइस आपको क्या लगता है कौन होगा विनर? अभी से आप लोग गेस करके बैठे रहो कौन विनर होगा. गेस करके बैठे रहो और फिर देख लेना गेम के एंड में कौन. Why?
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अबे देव एंड आई एम द विनर, क्या आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहेंगे? कौन है ये औरत? ले 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 ले, उदास मत यार, दोबारा खेल ले। तो मैं क्या करूं? मैं हार रहा हूं। इसमें रूल ऐसा होता है जिसके मत पहले खत्म हो जाता है वो हारता है। अरे मिल बच्चा, तू नहीं हारा है। ओके हार के भी जीतते रहो, सॉरी जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। गाइस ये था हमारा उनो गेम, अभी हम और खेलेंगे जब तक मैं जीत नहीं जाती इस गेम में। पर आप लोग भी घर पे उनो खेलिए या जो भी गेम आप खेल रहे हैं वो प्लीज खेलिए, और हमें बताइए, ये किसी राशन की रिसीट नहीं है, ये उनो के रूल्स हैं। आप भी खेलिए और हमको बताइए कि आपके यहाँ घर में कौन जीत रहा है, आप, आपके पार्टनर, या फिर आपके बच्चे, या आपके पड़ोसी। पड़ोसी पता नहीं, पड़ोसी कैसे जीत सकते हैं खेल। हाँ हमें भी बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं खेल के, और क्या गेम खेल रहे हैं जिससे हम भी उस गेम को हम अपने घर में खेल सकें। तब तक के लिए, क्योंकि मैं जीता हूँ तो तुम एक काम करो, आइसक्रीम ला सकती हो। बेसिकली तुमको आइसक्रीम खानी थी, ये बोलो। Guys, we are gonna go ahead with our ice cream break and then we are gonna come back and play Uno until I win. आप लोग हमको और बताते रहिए आपकी, आप लोग क्या खेल रहे हैं। ये आदमी चीटिंग किए हुए पत्तों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइस, हम मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। और ये जब से चली ओके गाइस कर रही है, लोग पक चुके होंगे।